बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹25 एंड कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ आयरन, वाइल ईच यूनिट ऑफ फूड वाई कॉस्ट ₹30 एंड कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 2 यूनिट्स ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब पहले तो हम क्वेश्चन को समझने की ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें एक एक्स फूड दिया हुआ है। ठीक है, एक है एक्स फूड और दूसरा फूड है वाई फूड। तो दोनों फूड्स के हमें अलग अलग से यूनिट्स बताए हुए हैं कि हर एक यूनिट में, एक्स फूड के हर एक यूनिट में कितने प्रोटीन्स हैं और कितने आयरन हैं। ठीक है, एक तो प्रोटीन शामिल है, ठीक है, प्रोटीन और साथ में आयरन भी शामिल है। ठीक है, एक्स फूड के एक यूनिट में कितने जो है प्रोटीन्स, 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स एक्स फूड में 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स और 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है। ठीक है, ये 4 यूनिट्स ऑफ आयरन है और साथ में वाई फूड की जब बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 2 यूनिट्स ऑफ आयरन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अलग अलग फूड्स की डिस्क्रिप्शन कि एक्स फूड में 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन शामिल हैं और 4 यूनिट्स ऑफ आयरन शामिल हैं। ठीक है, और वाई फूड में 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन शामिल है और 2 यूनिट्स ऑफ आयरन शामिल हैं। अच्छा, तो हम कहते हैं कि एक्स की फूड जो है उसके यूनिट को हम कह देते हैं, एक्स का नाम देते हैं, लेट एक्स बी द यूनिट ऑफ एक्स फूड। ठीक है, एक्स फूड के यूनिट को हमने एक्स का नाम दे दिया, सही। इसी तरह से हम वाई की यूनिट्स को, वाई फूड को भी वाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, वाई स्मॉल वाई बी द यूनिट ऑफ वाई फूड, सही। तो इसके साथ हम कह देते हैं कि एक्स फूड में 2 यूनिट्स शामिल थे, किसके, प्रोटीन्स के, और 4 यूनिट्स 4x। ठीक है, x जो है वो यूनिट्स को प्रेजेंट कर रहा है, तो 4 यूनिट्स शामिल आयरन के। इसी तरह से y फूड में 3 यूनिट्स, y जो है वो यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है, 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 2 यूनिट्स ऑफ आयरन, सही है। तो अब हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है। ईच एनिमल मस्ट रिसीव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन ईच डे। हर रोज जो है हर जानवर मिनिमम 12 यूनिट जो है प्रोटीन के यूज़ करेगा और मिनिमम 16 यूनिट जो है वो आयरन के यूज़ करेगा। ठीक है, तो हम इसमें थर्ड कॉलम बना लेते हैं कि एनिमल मस्ट रिसीव जो है मिनिमम प्रोटीन के कितने हैं, 12। ठीक है, मिनिमम का मतलब ये है कि 12 लेस है, मतलब कि 12 जो है मिनिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकती है। तो मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, या तो 12 होने चाहिए या फिर 12 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम जो है वो 12 है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आयरन के कितने एनिमल रिसीव करेगा, मिनिमम 16 यूनिट्स। ठीक है, 16 यूनिट्स मतलब के मिनिमम है और मिनिमम से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हम कहेंगे, सही है, कम से कम 16, उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। ठीक है, कम से कम 16 होना चाहिए, मतलब कि 16 से सेल लेस नहीं होने चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो हम इससे इनइक्वालिटीज़ बना सकते हैं। ठीक है, कि दोनों की फूड्स को मिलाकर, दोनों फूड्स की प्रोटीन यूनिट्स को मिलाकर मिनिमम 12 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी बनती है। दोनों फूड्स को मिला लेते हैं प्रोटीन की यूनिट्स को, प्रोटीन की यूनिट्स क्या है, एक्स फूड की 2x है, वाई फूड की 3y है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, एक्स फूड और वाई फूड की प्रोटीन्स को मैंने ऐड कर दिया, जो कि होना चाहिए, मस्ट बी मिनिमम 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई। और इसी तरह से हम आयरन की जब बात करें तो हमें कहा गया था मिनिमम 16 होना चाहिए दोनों फूड्स की आयरन को मिलाकर। ठीक है, मिलाकर मतलब दोनों को ऐड करके, तो एक्स फूड जो है उसके कितने हैं, 4x है, और आयरन की यूनिट्स, ठीक है, और साथ में वाई फूड के 2y
यूनिट शामिल हैं, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास मिनिमम 16 बनना चाहिए जो एक एनिमल रिसीव करेगा आयरन, ठीक है। तो ये दो इनक्वालिटीज बन गई। अब हम अपने फंक्शन पे आते हैं कि फंक्शन में क्या है। देखें, उसने कहा था कि हमारे पास क्या है, दो फूड्स हैं, ठीक है, एक एक्स फूड है और एक वाई फूड है, और साथ में हमें हर यूनिट की उसने प्राइस दी हुई है, ठीक है। तो इसकी यूनिट की प्राइस, एक्स फूड की यूनिट की प्राइस हमें गिवन थी, ईच यूनिट ऑफ एक्स फूड कॉस्ट ₹25, मतलब कि ₹25 इसकी कॉस्ट है, ठीक है, इसके हर एक यूनिट की 25, हर एक यूनिट मतलब कि एक यूनिट जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट होता है, सही। तो वाई फूड जो है उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है ₹30, ₹30 पर यूनिट, ठीक है। यूनिट से हम इसका यूनिट क्या है, वाई। तो ये जो है इसका फंक्शन फिर क्या बन जाता है, हमने दोनों फूड्स एक एनिमल को देने हैं रोजाना, ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 25x जितने भी यूनिट्स होंगे x की जगह आ जाएगा, ठीक है, प्लस 30y, ठीक है, जितने x फूड के यूनिट्स यूज होंगे वो x में आ जाएगा, जितने y फूड के यूनिट्स यूज होंगे वो y रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास फंक्शन बन जाता है, ठीक है, कॉस्ट का। अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज ऊपर आई थी, ठीक है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और 4x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, और साथ में हमारे पास फंक्शन जो बन गया वो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 25x प्लस 30y। अब हम बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड शुड बी फीड टू ईच एनिमल एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, मतलब कि कितने यूनिट्स हमें देने चाहिए फूड के, एक्स फूड और वाई फूड के, कितने कितने यूनिट्स देने चाहिए हर जानवर को, ठीक है, एक जानवर को, तो और कॉस्ट भी मिनिमम आनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल आनी चाहिए। तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम वही जो है टेक्निक अप्लाई करते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की। इस फंक्शन को हम मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट भी पता चल जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे, किस यूनिट्स पे हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम पहले तो इन इक्वालिटीज़ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आई थी, पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है, और दूसरी इनइक्वालिटी है हमारे पास जो हमने फाइंड की थी, 4x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, सही। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इनको सॉल्व करते हैं, मतलब कि इसके पहले तो हम इक्वेशंस फाइंड करें, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जिस तरह हम पहले फाइंड करते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन गई इस इनइक्वालिटी की, ठीक है, और इसी तरह से इस इनइक्वालिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे आएगी, इनइक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स, यहाँ पर ये वाई की जगह एक्स आएगा, ठीक है, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करें तो 3y इज इक्वल टू 12 और वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से हमारे पास P1 बना, P1 जो बना उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, एक्स को हमने 0 पुट किया और वाई की वैल्यू 4 आई, ठीक है, तो P1 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो आए हैं एक्स इज 0 एंड वाई इज 4, सही। तो ये बन गया P1। अच्छा, इसी तरह से हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, वाई इंटरसेप्ट तो फाइंड कर चुके हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एट वाई इज इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट करेंगे, ठीक है, एट वाई इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में पुट करें वाई इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6, सही। तो हमारे पास पॉइंट 2 आता है जिसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x, x हमारे पास 6 आया, ठीक है, और y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, 6,0, ये दो पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इनक्वालिटी की पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाली, ठीक है, तो उससे हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, एट एक्स एक्स इज इक्वल टू 0
टू वाई इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट 3 जो बनता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x को हमने 0 पुट किया और y की वैल्यू 8 आई, ठीक है। इसी तरह से अब हम एट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0 x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए, तो ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 16, 4x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये पॉइंट बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे पॉइंट 4, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x की वैल्यू 4 जब y की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये चार पॉइंट्स आ गए, इन चार पॉइंट्स को पहले हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट 1 है 0, 4, मतलब के x एक्सिस पे 4 यूनिट्स, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर पॉइंट 1 आ जाएगा, ठीक है, P1। और पॉइंट 2 क्या है, 6, 0, 0, 4, तो हमारे पास जो है वो y एक्सिस पे आएगा क्योंकि y जो है वो है 4 और x की वैल्यू 0 है, तो 0, 4, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर पॉइंट 1 बनेगा, ठीक है। ये बन गया पॉइंट 1, पॉइंट 2 है 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट्स और y पे 0, ये बन गया पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करते हुए देखेंगे कि डॉटेड लगाना है या स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी इनइक्वालिटी देखते हैं, इसमें इक्वल का साइन शामिल है, उसका मतलब ये है कि ये लाइन भी शामिल होगी, ठीक है, मतलब कि हम स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये लाइन हमारे पास बनती है इन दोनों पॉइंट्स P1 और P2 को ज्वाइन करने से, जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, बल्कि जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है, पहली इक्वेशन है ये जो हमने ड्रॉ की है अभी लाइन, उसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसी तरह से हम दूसरी लाइन जो है उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसके पॉइंट्स हमारे पास हैं 0, 8 और 4, 0, 0, 8 मतलब के y एक्सिस पे 8 यूनिट्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आकर 8 बनता है, ठीक है। तो ये है 0, 8 पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट 4 कहाँ पर है, पॉइंट 4 है 4, 0 मतलब 4 जो है x एक्सिस पे होएगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आगे 4, 0 पॉइंट 4 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे P3 और P4 को, ये P4 है, ठीक है, ये लाइन बनती है P3 और P4 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से, जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो हमारे इनइक्वालिटी की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, सेकंड इनइक्वालिटी की। अच्छा, अब यहाँ से हम देखते हैं कि रीजन कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है, इन लाइंस के अबव या बिलो। पहली लाइन के को चेक करते हैं, 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y इनइक्वालिटी पहली क्या है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हम 0, 0 पुट करते हैं, ओरिजिन को चेक करते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये इनइक्वालिटी है। तो ओरिजिन पे एट ओरिजिन 0, 0, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है, 2 × 0 प्लस 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो हमारे पास 0 > 12, क्या ये ठीक है एक्सप्रेशन, 0 12 से बड़ा होता है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, मतलब कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा, मतलब कि ओरिजिन शामिल नहीं है इस रीजन में, ठीक है। तो ओरिजिन के ऑपोजिट जो रीजन बनता है वो बनेगा इसका रीजन, ठीक है, तो मतलब कि ये बनेगा इसका रीजन पहली इनइक्वालिटी का, ये वाला रीजन ऑपोजिट टू ओरिजिन, ठीक है, ये रीजन बनता है, ये सारा रीजन बनेगा इसका। और हम अब सेकंड इनइक्वालिटी को देखते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी है हमारे पास 4x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, 4x प्लस 2y 4x प्लस
टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अच्छा अब इस पे हम ओरिजिन को चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन इसके रीजन में शामिल आता है, इसके सॉल्यूशन में होता है या नहीं। एट 0,0 ओरिजिन, ठीक है, वो पुट करके चेक करते हैं। 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो ये बनता है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। क्या ये ठीक है, 0 16 से बड़ा होता है या बराबर होता है? नहीं, मतलब कि ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा, मतलब कि ओरिजिन इसके भी रीजन में शामिल नहीं है। तो इसका रीजन कौन सा बनता है, ये भी ऑपोजिट टू ओरिजिन, ये वाला रीजन इसका बनता है, ठीक है। ग्रीन कलर से मैं जो शेड कर रहा हूँ रीजन, वो इसका रीजन बनता है। तो ये देखें, ये इसका रीजन हमने शेड कर दिया। अब इसमें हम कॉमन रीजन देखें, कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है, जिसमें ग्रीन लाइंस भी आ रही हैं और ब्लू लाइंस भी आ रही हैं। तो अब देखें, तो ये एक ओपन बाउंडेड और बाउंडेड नहीं है, ठीक है, ओपन रीजन है, ठीक है, कहीं पे ये बाउंड नहीं हो रहा, ये आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो दूसरा हमने ये करना था कि फिजिबल रीजन हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमाइज कर रहे हैं इस फंक्शन को। तो फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इन दोनों चीज़ों को भी हमने देखना है। और फिर हमारे पास कौन सा रीजन बनता है, ये मैं ब्लैक कलर से शेड कर देता हूँ यहाँ से ये, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज को मैं शेड कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और यहाँ पर इस लाइन के अलॉन्ग आ जाएगा ये इसकी बाउंड्री बनती है, सही। उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट और वर्टिकल लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमारे पास जो है वो रीजन बनता है, फिजिबल रीजन इस इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। तो अब देखें, तो हमने फाइंड क्या करना था, हमने इस फंक्शन को, अपने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए हम पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स इसमें एक तो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, तो मैं इसको रेड कलर से ही शेड कर देता हूँ। एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, बल्कि मैं इसको इस कलर से शेड करता हूँ। ये हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, ठीक है। दोनों लाइंस जो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ये बनना। और दूसरा ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, क्योंकि ये भी x एक्सिस और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इन दोनों लाइंस का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है और फिजिबल रीजन में शामिल है, ठीक है। तो ये एक ये पॉइंट बनता है, ठीक है, जो कि वाई एक्सिस और इस लाइन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास तीन कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो तीन कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है, ठीक है, इन दोनों लाइंस को, एक x इज इक्वल टू 0, मतलब कि y एक्सिस जो है उसको x इज इक्वल टू 0 से प्रेजेंट करते हैं। उसको अगर सॉल्व करें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस, एक x इज इक्वल टू 0 और साथ में 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट बनता है 0,8, ठीक है, 0,8 बनता है ये पॉइंट, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0,8। और साथ में ये पॉइंट जो है इन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करने से, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इन दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व करें तो ये पॉइंट बनता है 3,2, ठीक है। और इसी तरह से जो है हमारे पास एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट के कॉर्डिनेट्स कैसे आएंगे, एक तो हमने एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है किसके साथ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के साथ, तो मतलब कि एक्स एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है, और इसको हमने किसके साथ सॉल्व करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में सॉल्व करें तो ये पॉइंट बनता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 6,0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए कॉर्नर पॉइंट्स तीन, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मैं अलहदा से लिख देता हूँ, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक 6,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट 3,2 और
तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आया था 0.8, ठीक है। ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हम ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स अपने फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 25x प्लस 30y, ठीक है। अब हम अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते हैं इसमें एट 6.0, मतलब इस कॉर्नर पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या बनती है, एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स एफ एक्स की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा और वाई की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 6.0 इज इक्वल टू 25 इंटू 6, एक्स की जगह 6 आ गया, प्लस 30 इंटू 0, वाई की जगह 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आती है इसकी 150, सही है, इसको सॉल्व करने से 150 आ जाती है। तो इसी तरह से अब दूसरे कॉर्नर पॉइंट को चेक करते हैं, एट 3.2, एफ ऑफ 3.2, मतलब कि एक्स की जगह 3 आ जाएगा और वाई की जगह 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास बनती है वैल्यू 135, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड कॉर्नर पॉइंट को लेते हैं एट 0.8, 0.8 पुट करने से एफ ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 25 इंटू 0 और वाई की जगह आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास बनती है वैल्यू 240। अब इसमें से देखें हमने फंक्शन को क्या करना था, मिनिमाइज करना था, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसमें से देखें इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स में से किसकी आ रही है, 135 की, ठीक है। 135 मिनिमम वैल्यू दे रहा है जिसके पॉइंट्स हैं 3.2, एट कॉर्नर पॉइंट 3.2। उसका मतलब ये है कि एट 3.2 मिनिमम कॉस्ट रेट क्या है, मिनिमम कॉस्ट रेट, मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है, मिनिमम कॉस्ट जो आ रही है वो किस पे आ रही है, कॉस्ट रेट एट 3.2, ठीक है। 3.2 मतलब कि 3 यूनिट्स ऑफ एक्स फूड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई फूड, ठीक है। हमने यही फाइंड करना था कि दस एफ इज मिनिमम, ठीक है, फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है इफ 3 यूनिट्स ऑफ एक्स फूड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई फूड आर यूज्ड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दस मिनिमम कॉस्ट कॉस्ट इज 135 व्हेन वी यूज 3 यूनिट्स ऑफ एक्स फूड, यूनिट्स ऑफ एक्स फूड एंड 2 यूनिट्स ऑफ वाई फूड, ठीक है। 3 यूनिट्स हम एक्स फूड के यूज़ करें और 2 यूनिट जो हैं वाई फूड के यूज़ करें, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट 135 आती है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। इसी तरह से बाकी दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसी तरह से आपने वो भी सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म होती है।